बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ रेसिपी, वो है सोया चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये है सोया चाप मसाला, जो कि आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही यमी होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए रियाज किचन एंड ब्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बनाना सोया चाप। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाप ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था। धोकर इनकी स्टिक्स निकाल लेंगे और सबको निचोड़ कर इनमें से जो पानी होगा एक्स्ट्रा उन्हें हम निकाल देंगे इनमें से। अब इन्हें छोटे टुकड़ों में काटेंगे ताकि जो मसाले होंगे और ग्रेवी का फ्लेवर होगा सब इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए। अब इन्हें मैरिनेट करने के लिए हम एक बोल लेंगे। बोल में सबसे पहले हम आधी कटोरी गाढ़ा दही डाल देंगे। इसके साथ ही हम लेंगे फ्रेश क्रीम, जिसे भी लेना है आधी कटोरी उसे भी हम डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही यहाँ पर डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, इसके साथ ही यहां पर ऐड कर देंगे गरम मसाला। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच बेसन, 1 नींबू का रस और हर चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने सोया चाप को काट कर रखा था उन्हें हम डालकर अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे ताकि जो सोया चाप है अच्छे से कोट हो जाए। हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम 2 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रख देंगे ताकि जो इसका टेस्ट होगा हर मसाला अच्छे से सोया चाप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 2 घंटे के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम ही रखेंगे ताकि जो ये चाप है अच्छे से अंदर तक पक जाए। एक एक करके चाप को डालते जाएंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे बीच बीच में हिलाते जाएंगे और अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब अच्छे से हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे तेल में से। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद उसे हल्का गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, जिसे अच्छे से पहले हम क्रैकल कर लेंगे। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम काट देंगे 3 बड़े प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए और इन्हें अच्छे सा कलर आने तक हम इन्हें भून लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसे डालकर भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये चीज़ें भून जाए तो इसमें मैंने डाली है टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने 4 टमाटर से बनाई है। इसे डालकर भी हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से पका है और इसके साइड पे तेल भी आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड किया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी,
जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और हर चीज को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच पानी, मिक्स करेंगे और इसे हम पका लेंगे जब तक कि ये जो ग्रेवी अच्छे से पक जाए और जो तेल है बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब जो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अपने सोया चाप जो हमने फ्राई किए थे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एकदम मसालेदार चटाकेदार सब्जी बनती है, इसे जरूर ट्राई करिएगा, वो भी बिल्कुल बाजार जैसी। इसके साथ ही ये जो बॉल था जिसमें मैंने मैरिनेट किया था सोया चाप को, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है लगभग 1 कटोरी के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए यही पानी हम डाल देंगे सोया चाप में। इससे जो ग्रेवी होगी काफी थिक बनेगी और बहुत ही टेस्टी होगी। इसे हिलाएंगे और इसे ढककर हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, इसका जो तेल है सेपरेट होना शुरू हो गया है और ये जो सब्जी है अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये जो सब्जी है ये नान के साथ, पराठे के साथ या फुलके के साथ, राइस के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही अच्छी जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।